गुरु की धरती है जो रह गई उधर सानू दर्शन दीदार का मौका दिता जाए। अज मैं खुशी है कि आरंभ तो होया और मैं आस करदा कि पाकिस्तान वाले भी इस गल नू जल्दी सिरे चढ़ाउणगे ताकि अगले 23 नवंबर जो गुरपुरब आना है अपना महाराज का 550वां साल आना है ये आपां उह दिन पहले साडे लोग उत्थे जा के दर्शन कर सकन। एक मैं देखदा रहिंदा है सोशल मीडिया ते बड़ी गल चली है कि यह जिहड़ा लांघा होगा इहदा वीज़ा सानू दिता जाए और उहदी कोई रुकावट ना होवे। हुण जदों लांघा मिलदा है उहदा मतलब है कोई वीज़ा दी लोड़ नहीं, यह तो एक लांघा होगा कि तुसीं जदों जी करदा है जदों खुलदा है उत्थे जाओ मत्था टेको और वापस आओ। तो ये तो उही लोग कोई फैला रहे ने इस गल नू, लेकिन ये जो है गल ये तो थोड़े वास्ते खुले दर्शन दीदार ने और तुसीं जदों मर्जी थोड़े जाना चाहोगे तुसीं जाओ। जिथे मैं अज इमरान खान जी का धन्यवाद किया और साढ़े प्रधानमंत्री जी का, थोड़ा जा मैं होर कुछ कहना चाहुंदा इस बारे। पर इस तो पहला मैं अज गडकरी जी नूं एक बेनती करना चाहुंदा कि जिथे तो साडा जिथे साडी धरती हिंदुस्तान की मुकदी है जब साडी सड़क बनेगी और उत्थे तो पाकिस्तान का शुरू होएगा, मैं बेनती करदा कि वो एक महाराज पहला पातशाही दे याद दे विच एक बहुत शानदार गेट सानू इजाजत दी जाए असी पंजाब दे विच कि असी बनाईए। गडकरी साहब ने अपनी इजाजत दे दी, उत्थों जिथों शुरू होगा उन्हां दी सड़क और साड़ी मुकदी है उत्थे पंजाब सरकार एक बहुत बड़ा गेट मानस की याद वास्ते और करतारपुर साहब के वास्ते उहदा नाम करतारपुर द्वार रखांगे आपां ताकि उत्थे ताईं लोग एक शानदार एक इमारत भी बनेगी जिहदे नाल लोग हर वेले जाणगे उधर नूं देखणगे कि पंजाब दे लोगां ने की बना के दित्ता। इस मौके ते मैं जिथे प्रधानमंत्री पाकिस्तान की शलाघा की है और उन्होंने धन्यवाद किया इस काम वास्ते जिहड़ा अज किया, नाल दे नाल कुछ उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नूं मैं कुछ कहना चाहुंदा। मैं भी फौज च रहा और ये जिहड़े चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बाजवा जनरल बाजवा ये फौज के लिहाज नाल है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान दे, लेकिन मेरे तो बहुत पिछे ने सर्विस विच। मैं तो जदों प्रेसिडेंट मुशरफ से मुशरफ तो वो 64 दे विच उन्हां दा कमीशन होया सी, मेरा 63 दे विच होया सी, उन्हां तो भी सीनियर सी। मैं मेरा ये तो सीनियर जूनियर की कहने की लोड़ नहीं, मैं कहना इसलिए चाहुंदा कि हर फौजी नूं पता है कि दूजा फौजी की सोच रहा है और हर वेले साडे जो असी फौज दे विच रहे हैं साडा हर वेले अपनी देश की रक्षा साडे दिलां दे विच बैठी हुई सी गल, उन्हां दी भी यह होनी चाहिए है। एक किस ने सिखाया है किस फौज विच कि तुसीं आके पाकिस्तान के बॉर्डर के उपर साडे हिंदुस्तान ते गोली चला के साडे जवानों नूं जो कोई इत्थे घूम रहा है या कि जा रहा उन्हां नूं तुसीं मार दिओ, सिखाया किसने कि स्नाइपर ला के तुसी मार दिओ, किसी ने दसया है कि तुसी पठानकोट में अपने बाढ़ के इत्थे लोगों नूं इत्थे मार दिओ या दीनानगर में मार दिओ या इत्थे अमृतसर के पिंड में मेरे लोग अपना कीर्तन कर रहे हैं सवेरे उत्थे बैठे ने जाके तुसी उन्हां ते ग्रेनेड सिटा के उन्हां नूं मार दिओ। ये फौजियों का सिखलाई है, एक कायदां दी सिखलाई है, बुजदिली है। और मैनूं अफसोस है कि जेड़े साडे मेरे जो मैं फौज दे विच गया सी 10 साल कट्टे ने उत्थे, मैं इसलिए गया सी क्योंकि मेरा दिल चाहुंदा सी कि मैं जावां फौज दे विच, उन्होंने भी सी मेरी कोई सियासत मेरे मन दे विच
और यही इन्हां दे विच होणी है। लेकिन आ काम करना मासूमा ते गोली चलाउणी, मासूमा नूं ग्रेनेड नाल मारना, की लाभ होया? वो तीन जिहड़े मरे ने, एक गरीब बच्चा सी, उहदे दाड़ी भी नहीं आई। जिहड़े बीबी उत्थे 19 बंदे हस्पताल च पए ने, एक 6 साल का बच्चा सी, उहने की थोड़ा बिगाड़िया? बीबियां पईआं ने उत्थे की बिगाड़िया थोड़ा? शर्म होनी चाहिए इन। और अगर ये समझते ने कि पंजाब दे विच ये अपना कुछ इत्थे गड़बड़ करन दी कोशिश करेंगे, तो याद रखे बाजवा असी भी, साढ़े कोल भी पंजाबियों का खून साढ़े विच वसदा है, असी नहीं इन्हां नूं आउण देना इत्थे। और असी इन्हां नूं जिस तरीके नाल, असी तुहानूं पता है, साल जब तो असी आए हां उरे 17 बार तां इन्हां दी टोलियां इत्थे पकड़ियां ने असी, 81 इन्हां दे बंदे जिहड़े इत्थे खून खराबा कर रहे सी उहनां नूं फड़िया, 70 हथियार असी इन्हां दे लिते ने, ग्रेनेड फड़े ने, अमेशन फड़िया, IED जो बंब रखते ने वह भी फड़े ने असी इन्हां तों। क्या समझी बैठे ने कि कोई पंजाब है जी कोई चीज जगह है जिते जी कर दे तुसी जाके ऐसे करी चलो? मैं इसलिए कह रहा कि ये पहले पातशाही का एक प्यार का पैगाम है, वो प्यार का पैगाम सीखो। असी प्यार का पैगाम लैके आए हैं और उस दे नाल ही लांघा असी खुलवाया है, और असी भी चाहते कि प्यार का पैगाम तुसी सीखो और आके आ गल्लां तुसी बंद करो। ये नाल नहीं कोई फायदा होना। मैनूं पुछदे ने लोग कि तुसी क्यों नहीं जा रहे जी 28 तरीक नूं, मैं कि यही कारण, एक पासे मैं सिख है, मेरा दिल चाहुंदा है कि मैं जावां अपने गुरु पहले पातशाही दे धरती दे उपर, और उस गुरुद्वारे साहब जिथे मेरे दादा जी ने 9 साल 2020 तो लैके 2009 तक सेवा करवाई सी, उस ते जाके दर्शन करा। पंजा साहब नूं मौका मिल गया सी मैनूं, जिथे मेरे पिता जी ने 1932 विच उत्थे सेवा कराई सी। थोड़ा ख्याल मेरा दिल नहीं बनता कि मैं उत्थे जावां, पर दूजे पासे मैं मुख्यमंत्री भी है पंजाब दा, और पंजाब दी रक्षा और पंजाबियों दी रक्षा मेरा मेरे विच है, मेरा धर्म है वो, और मैं इस गल नूं नहीं, इस कारण मैं नहीं जा सकता उत्थे। लोग कहते ने कि धर्म हुंदा है होर, लेकिन जदों मुख्यमंत्री तुसीं बनदे हो एक पासे तुहाडा धर्म है तुसीं मनाओ, और उसनों हर वेले याद रखो, और हर वेले मेरे मन च और मेरे दिल दे विच मेरा धर्म है बस। बुजुर्गों तो पुश्तों तो 10वें पातशाह ने अपनी बख्शिश दी सानू दमदमा साहब दे विच, साडे बुजुर्ग बाबा राम सिंह नू और साडे नाभा और जीन दे जिहड़े बाणी ने बाबा तरलोक सिंह नू अपने हथों अमृत छकाया सी दमदमा साहब विच, और जब दखन यात्रा तो पहला। असी भुल सकते हैं इस गल नूं? कदे नहीं भुल सकते। लेकिन मेरी ड्यूटी ये भी है कि मैं पंजाब दे विच शांति रखा, और जिहड़े अहे जे लोग जो बाजवा जैसे ने, जो समझते ने कि इत्थे आके तुसीं हलचल करके साडे बंदियां नूं खराब करो, 20 साल साडा पंजाब दुखी रहा और खून डुलिया इस सूबे च, और उहदा नतीजा अज असीं भुगत रहे हैं कि सानूं इत्थे बच्चे साडे बाले हो रहे ने साडे पिंडां दे विच, पर नौकरियां साढ़े कोल है नहीं, डिवेलपमेंट नहीं हो रही साढ़े सूबे की। आपां नहीं चाहते कि साढ़े बच्चों का कोई भविख बने, असी नहीं चाहते कि साढ़े बच्चे भी जाके चंगे चंगे नौकर लगन, असी नहीं चाहते कि इंडस्ट्री लगे उत्थे जिथे वो आके नौकर लग सकन, और नारे पंजाब की आर्थिकता मजबूत हो, यही नहीं चाहते असी, चाहते हैं। लेकिन जो ये बंदे इत्थे आके गड़बड़ करन दी सोच रहे ने और साढ़े पंजाब नूं कमजोर करन दी सोच रहे ने, जदों ताई मेरे च खून है और जदों ताई मेरे च कोल ताकत है, मैं उसनों पूरी इन्हां दे खिलाफ वरतूंगा। मैं थानू अज दस दिना, और असी सख्ती करांगे पूरी, और ये बाजवा जाण जे, मैं जानदा है उत्थे दी सरकारां दा वख वख सिस्टम हुंदा चलण दा। कुछ लोग सोचते ने कि जिहड़े उत्थे आके हुकूमतां चलाउंदे ने, उह चलाउंदे ने, कोई नहीं चलाउंदा उत्थे, सब फौज चलाउंदी है उत्थे, और वो फौज ते या तो ये प्रधानमंत्री जी काबू करन, क्योंकि फौज के अधीन है उन्होंने ISI, और ISI वरतते हैं साढ़े मुल्कों के खिलाफ, साढ़े कश्मीर वरत रहे हैं, साढ़े इत्थे वरत रहे हैं, पता नहीं कितने होर हिंदुस्तान के वरतन के। असी नहीं चाहते, असी शांति का एक मुल्क है साढ़ा,
और आज शांती दा पैगाम है। आज तुसी बंबई दे विच आज 10वें साल पूरे होए ने, 10वें साल जदों होटल दे ऊपर जाके उत्थे कई होटलां च उत्थे उन्होंने अपना हमला किया सी। की कर लिया? कोई औरतां मारतियां, कोई बच्चे मारते, कोई निर्दोष मारते, की खा लिया? अपन बहादुरी कर ली? ये बुजदिलपन है। और इन्हां नूं ये जनरलां नूं समझना चाहिए कि साढ़े कोल उन्हां तों वड्डी फौज है, साढ़े कोल तैयारी पूरी है, तो हद तक कुछ हद हुंदी है जिद तक आप जा सकते हैं। बार बार अगर तुसी करोगे फिर हिंदुस्तान भी सोचण लग जूगा। और ये गल नहीं होनी चाहिए। कोई नहीं चाहता जंग नूं, कोई नहीं चाहता किसी किस्म की गड़बड़ नूं। असी चाहते हैं शांति दे विच, शांति दे माहौल दे विच असी अपनी डिवेलपमेंट करिए और साडे मुल्क नूं आपां अगे लैके जाइए। बहुत संकटां ने मुल्क च और साडी इस वास्ते जरूरत है। मैं इसलिए कह रहा आप नूं क्योंकि कुछ फेसबुक दे विच गल्लां आईयां ने और कहंदे ने कैप्टन साहब तुसी आ सब कुछ छड़ो और जाओ उधर। मैं कैसे जावां? मैं भुल जा कि मेरी जिम्मेवारी इन्ने लोग ने साडे पंजाब दे, सारे पंजाब की जनता है। मैं नहीं जा सकता क्योंकि करतारपुर साहब नूं पहुंचने तो पहला मैं पाकिस्तान जाना पऊ और पाकिस्तान की हकूमत इस ते बेकाबू है और इन्हां दी फौज जो जी करदी है करे। मैं इस करके नहीं जा सकता जब तक शांति ना आवे। जब शांति आऊ बड़ी खुशी होगी। मैं तो बहुत जगह जाना चाहना उत्थे। मैं फिर जाना चाहना ननकाणा साहब, दो बार जा चुकिया। फिर जाना चाहना पंजा साहब। इन्ना सुकून आता उत्थे, इन्ना प्यार आता उत्थे जब तुसी जाने और देखते हो सरोवर इन्ना साफ है और हुण करतारपुर साहब। तो ये सारिया साडे विच ने गल्लां। सो इंसानू मैनू कहण दी लोड़ नहीं। मैं तो सिर्फ चाहना कि शांति रवे, होर गुरु गुरद्वारिया च सानू जाण दा मौका मिले ताकि असी सारे जाके अपने गुरुआं दे स्थान नू विच मत्था टेक सकीए। अज अज इस दिन तो बाद, इस दिहाड़े तो बाद गडकरी साहब नू मैं जानदा ये जदों एक बार मन बसा लेंदे ने अपना कि असी कुछ करना है तो ऐ जांदा है तेजी नाल। तो मैं आस करदा कि तुसी आरंभ करो इस लांघे नू और उधरों जिहड़े थोड़े उधर तरीका है उन्हां नू वरतन दा उन्हां नू पुछो कि वह भी आके इस गल नू अगे वधाउण ताकि गुरपुरब च जिहदे वास्ते असी महाराज दे नां च मैं सुल्तानपुर लोधी कह चुके हैं बहुत कुछ जो असी कर रहे हैं। लेकिन अज गडकरी साहब मैं एक होर आपके दवा से मंग लैके आया जो मैं तुम्हें देऊंगा हुणी अपने इधर डेरा बाबा नानक एरिया च ताकि तुसी वो भी अपने ज़्यादा नहीं है सेंटर वास्ते लेकिन पंजाब वास्ते ज़्यादा है। तो मैं आस करदा कि तुसी ये गल्लां भी साडियां प्रवान करोगे ताकि ये गुरु की नगरी, ये गुरु की धरती जिथों वो लांघा लंघूगा इतों भी असी कुछ कम कुछ करा सकी है। तो अज मैं संत समाज का बहुत धनवादी हैं। सारे मेरे संत महात्मा उरे आए हुए ने, बड़ा प्यार देंदे ने। तीजी बार है जदों मैं उन्होंने बेनती की और उदों सारे आ गए। बाबा बेदी जी उरे ने, संत सारे ही उरे समाज इत्थे विराजमान ने। मैं थोड़े सारिया का बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत धनवादी हैं। और मैं हुण आस करदा कि आप सारे हुण इस काम दे विच प्यार नाल अगे वधीए ताकि साडा इह लांघा जल्दी शुरू होए और आपां सारे उत्थे जा के शुरुआत हो जाए। और मैं जिस दिन पहले बंदा उत्थों लंघूगा मैं थोड़े नाल लंघूगा और जाके आपां करतारपुर साहब मत्था टेक सकांगे। बहुत थोड़ा शुक्रिया, धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।